हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो तुम लोग? आई होप कि तुम लोग अच्छे होगे और यार आगे भी अच्छे ही रहना। लिटरली यार इवो वॉलेट इवेंट के लिए मैं सुबह के 4 बजे उठा हूँ, लेकिन भाई मैं ये क्या देखता हूँ। अरे यार भाई, इवो वॉलेट तो वेब इवेंट होता है ना, लेकिन ये टोकन विल कहाँ से आ गया? तोबा तोबा यार, सुबह सुबह मेरे मूड का मैया का सैया कर दिया। लेकिन खैर गाइस, छोड़ो, अपन लोग इसके अंदर स्पिन करने वाले हैं और चेक करेंगे कि कितना डायमंड लगता है और कितनी इवो गन निकलती है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे पढ़ दो, गर्ना का कहना ये है कि गारंटेड इवो गन इन 15 स्पिन और लेस। यानी गर्ना का कहना ये है कि 50वीं स्पिन के अंदर आपकी इवो गन निकल जाएगी, ठीक है, कोई ना कोई एक इवो गन, या फिर गाइस 50 स्पिन के कम स्पिन के अंदर भी कोई ना कोई एक इवो गन निकल जाएगी। लेकिन मुझे पता है कि वो गन कौन सी होगी, ठीक है, इवो ग्रोजा ही होगी। एक और चीज की ऐसी इवो गन जो आपके पास ऑलरेडी है लेकिन वो वापस निकलती है ना, तो उसके बदले में आपको इवो गन के टोकन मिलेंगे। तो आओ मेरे गाइस, अमीर से बनते हैं भिखारी। और चिंता मत करो, मैं इसके अंदर अपना शर्ट पैंट और जरूरत पड़ी तो मेरा अपना कच्चा भी यहाँ पे मैं दान में दे दूंगा, ठीक है। लेकिन कोई ना कोई एक इवो गन अपन लोग जरूर निकालेंगे। तो पहली स्पिन करते हैं अपन लोग 20 डायमंड की। क्या निकलेगा? पहली स्पिन के अंदर निकल जा। अरे एक तो मैं भाई इतना गर्मी से जल रहा हूँ और उन लोगों ने मुझे ऊपर से बॉनफायर दे दिया, इससे क्या मैं अपने पिछवाड़े पे लगाऊ। इस बार अपन लोग करेंगे 200 डायमंड की स्पिन, क्योंकि बहुत पैसा है मेरे पास, समझ रहे हो। ओके, तो यहाँ पे भाई टुन 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 टुन, ये जो गन स्पिन का आवाज है ना वो मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है, ठीक है। लेकिन कोई इवो गन निकल जाए, इवो M10 निकल जाए, इवो M10 ओम सुम स्वाहा। अरे भाई खतरनाक यार, ये 30 रिवॉर्ड्स मेरे को नहीं चाहिए भाई, कोई इवो गन दो, जल्दी जल्दी माल दो जल्दी। देखो सुबह के 4 बजे में बकलोली कर रहा हूँ, ठीक है, घर वाले सब सो रहे हैं और तुम्हारा भाई कोने में बकलोली कर रहा है। मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग इस इवेंट के अंदर स्पिन इसलिए करेंगे क्योंकि इसके अंदर इवो M10 है। तो भाई बहुत सारे लोग तो सिर्फ इवो M10 को निकालने के ही सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने वापस से 200 डायमंड की स्पिन कर दी है, क्या निकलेगा? कोई इवो गन निकलेगी मेरी जान? इवो गन निकल जा गरेना दीदी, प्लीज गरेना दीदी, कुछ तो निकला। अरे भाई साहब, ये पेन का मैं क्या करूँ, तुम मुझे बताओ यार, मेरे को माल दो, ये मेरे को नहीं चाहिए भाई। क्या कर रहा है भाई, सुबह सुबह मैया का सैया कर दिया मेरे दिमाग का। देखो मेरे दिमाग का भरोसा हो गया, ठीक है, मेरे दिमाग का पूरा भरोसा हो गया है। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं जाता हूँ सबसे पहले 200 डायमंड की वापस से स्पिन करने के लिए। बहुत पैसा है मेरे पास, और पैसों की कोई कमी नहीं है मेरे पास, अंबानी मेरे खाली जगह पे। टुन 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 हो रहा है गैस, देखो सुनो, आवाज सुनो, टुन टुन हो रहा है, लेकिन निकला कुछ नहीं, ये क्या था भाई? वापस से मैं यहाँ पे 200 की स्पिन ठोकने वाला हूँ, इस बार क्या निकलेगा? कुछ तो निकलना चाहिए मेरी जान, यह निकलेगा, कुछ तो निकलेगा, मेरा दिल कहता है। लेकिन हाँ गाइस, दिल मेरा बहुत धोखा देता है, तुम्हें पता है। देखो और भाई, ये लूट बॉक्स के लिए, ये 30 लूट बॉक्स के लिए मैंने भाई 200 डायमंड दिए, लिटरली भाई क्या मजाक है ये। मैं जाता हूँ गाइस यहाँ पे, ठीक है, लक रोल में इसके अंदर अपन लोग एक दो स्पिन कर देते हैं, क्या पता अपना लक बढ़ जाए। ये भाई ये ट्रिक पुराने जमाने के लोग यूज करते थे, आपको पता होगा, ठीक है, लक को बढ़ाने के लिए। लेकिन क्या इस जमाने में ये ट्रिक वापस काम करते हैं? देखते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं गाइस यहाँ पे। अरे मेरे को याद आया कि मेरा मंथली और वीकली क्लेम करना बाकी है, तो भाई जल्दी से इसे क्लेम कर लेता हूँ। बाकी गाइस वीकली और मंथली मैंने लिया था विंजो से, क्योंकि वहाँ पे डायमंड भी फ्री में मिल जाते हैं और फ्री में पैसे भी मिल जाते हैं, तो ट्राई कर सकते हो, मैं तुम्हें इसके लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। बाकी गाइस अपने पास हो चुके हैं टोटल 700 डायमंड और मैं बहुत डायमंड उड़ा चुका हूँ, ठीक है, वापस स्पिन करेंगे। लेकिन गाइस मैं तुम्हें एक चीज और बताना चाहता हूँ कि इनमें से जो भी गन आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है, उसका वापस निकलने का चांस बहुत ही कम रहेगा। अगर आपको इवो M10 ही निकालनी है तो भाई ये मत सोचना कि भाई पहले ही इवो गन मेरी निकल जाएगी, ठीक है,
ऐसा भी हो सकता है कि पहले कोई और इवो गन निकले, इसके बाद इवो M10 निकले। वापस से मैंने यहाँ पे 200 की स्पिन मार दी है। टोन 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 नो 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 टोन 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 टोन। क्या निकलेगी गाइस, कौन सी इवो गन निकलेगी मेरे भाई? निकल जा इवो M10, तुम्हें मेरी कसम। हे प्रभु हरि राम कृष्ण जगतनाथम प्रेमानंदी, ये क्या हुआ प्रभु? यार कुछ तो, कोई तो इवो गन दे दो मेरे को यार, कुछ तो दे दो, इस गरीब इंसान की मदद करो। देखो लक के मामले में तुम्हारा भाई का लक बहुत खराब है, ठीक है, बहुत खराब है, इतना खराब है कि तुम पूछो ही मत, बस मत पूछो यार, वरना मैं रो दूंगा यहीं पे। बाकी गाइस ये जो मैं स्पिन करने वाला हूँ, ठीक है, ये स्पिन अपने 50 ऊपर की स्पिन हो सकती है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारी स्पिन कर चुका हूँ, ठीक है। तो इस बार कन्फर्म अपने को कोई ना कोई एक इवो गन जरूर मिलेगी, और मुझे पक्का पता है कि वो इवो गन इवो ग्रोजा ही होगी, और आपको भी गैस, ठीक है, 50 स्पिन के बाद इवो ग्रोजा ही मिलेगी, आप लोग देखना। बाकी मैंने यहाँ पे स्पिन कर दिया है, टुन 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 टुन। क्या निकलेगा, देखा, ठीक है, इवो ग्रोजा के ऊपर एक स्पिन रुकी थी, तो भाई इवो ग्रोजा तो कन्फर्म है। टुन 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 टुन, ओके कॉन्ग्रेचुलेशन। कौन सी राय, देखो मैंने कहा था ना इवो ग्रोजा ही मिलेगी, क्योंकि भाई इवो ग्रोजा ही आपको पहले मिलने वाली है। मेरे सब्सक्राइबर इसे भाई पिचकारी कहते हैं, तो मुबारक हो तुम्हारे भाई को पिचकारी मिल चुकी है। लेकिन दिक्कत यह है कि दिवाली आ रही है ना कि होली, तो हम इसका होली के टाइम यूज करेंगे, ठीक है, इस पिचकारी को। बाकी गैस यहाँ पे इवो ग्रोजा निकल चुकी है, इस बात का मुझे थोड़ा सा दर्द है, क्योंकि मैं निकलना चाहता था यार इवो M10, ठीक है। अगर गैस अगर आपको एक इवो गन मिल जाती है, ठीक है, वापस से आपको दूसरी इवो गन निकालनी है ना, तो देखो कन्फर्म है, ठीक है, उसके अंदर भी आपको 1000 डायमंड तो लगेगी ही। यानी गैस 1000 डायमंड के अंदर मेरी इवो ग्रोजा निकल गई, ठीक है। इसके बाद अगर मुझे दूसरी इवो गन निकालनी है ना, तो उसके अंदर भी 1000 डायमंड या फिर 1100-1200 डायमंड ही लगेंगे। चार इवो गन है, चारों इवो गन आपके पास नहीं है, ठीक है, तो भाई 4000 के ऊपर के डायमंड लगेंगे। बाकी चलिए मैं जल्दी से आपको मैं अपने इवो गन के अंदर जाके इवो ग्रोजा को दिखा देता हूँ, ठीक है। निकाल तो हमने ऑलरेडी ही ली है, बाकी भाई देखो एकदम पिचकारी मेरे भाई, एकदम पिचकारी। वैसे आप लोगों ने एक चीज को नोटिस किया होगा, ठीक है गाइस, इवो ग्रोजा है ना वो चलती बहुत तगड़ी है, और अगर ऊपर से आपके पास इसकी इवो गन होगी तो भाई यह कते भयंकर चलेगी। लेकिन आप चाहो तो इसे अपग्रेड कर सकते हो, फिलहाल मैं इससे अपग्रेड नहीं करने वाला, क्योंकि मेरे को अब अपना कच्चा देना पड़ेगा, है ना, कच्चा बेचना पड़ेगा मुझे, तब जाके ये अपग्रेड होगी। बाकी मेरे पास यहाँ पे टोकन के कुछ क्रेड्स थे, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ यहाँ पे मेरे पास कुछ यूनिवर्सल टोकन थे, ठीक है, देखो यहाँ पे, तो मैं देखता हूँ कि क्या इससे अपन लोग इवो गन को अपग्रेड कर पाते हैं। वैसे मुझे पक्का पता है कि ये जो इवो यूनिवर्सल टोकन है ना, ठीक है गाइस, वो इवो ग्रोजा में शायद यूज नहीं होंगे, क्योंकि ये कुछ लिमिटेड इवो गन के अंदर ही यूज होता है। देखा, ठीक है, यहाँ पे गाइस यूनिवर्सल टोकन आप इसमें यूज नहीं कर सकते। और हाँ अगर आपको फ्री में डायमंड चाहिए तो ट्राई कर सकते हो विंजो को, मैं तुम्हें इसकी लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। आप लोगों ने कितनी इवो गन को निकाली और कितने डायमंड लगे कमेंट में बताना। बाकी फ्री फॉर एक्स लॉम्बोर्गिनी इवेंट के बारे में फुल डिटेल में जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करो। फ्री फायर के अपकमिंग इवेंट के बारे में जानना है तो राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करो।